यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ और कसाएं भी होती हैं, कुछ नो कसाएं बोलते हैं जिन्हें हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और तीन भेद स्त्री पुरुष नपुंसक। हाँ, तो ये नो कसाएं, ऐसे नो कसाएं इनके इनको करने से भी जीव को कर्मबंध होता है लेकिन अल्प होता है। ठीक है, जैसे क्रोध मान माया करने से तीव्र बंध होता है, ऐसे हास्य रति अरति आदि करने से भी जीव को बंध होता है लेकिन कुछ मात्रा में, अल्प मात्रा में उनको बंद होता है। हम जब लेकिन फिर भी हमें बुद्धि विवेक पूर्वक अन्य सरी यानी अनावश्यक हास्य से बचना चाहिए, यानी बिना बात का हास्य हंसना ये भी कर्म बंधन का कारण कषाय है। एक्चुअली ये कषाय भी है और परिग्रह भी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें मिथ्यात् को छोड़ने का उपाय करना है, फिर कषायों को छोड़ने का उपाय करना है और फिर नौ कषाय को छोड़ने का। ठीक है, तो जैसे बिना बात में हंसी मजाक आदि करना, चार लोग इकट्ठे हो जाते हैं चुटकुले आदि सुनाना शादी ब्याह आदि में इस तरह से, तो उसमें भी कर्म बंध होता है। दूसरी रति, रति का अर्थ होता है कि प्रेम करना, यानी कि जैसे अपना कोई रिश्तेदार है या फिर धन दौलत सामान आदि है जेवर आदि, उसमें रति करना, प्रेम करना। ठीक है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि पांच इंद्रिय और पांच इंद्रिय से संबंधित जो विषय होते हैं उनमें आसक्ति रखना रति होता है। ठीक है, फिर अरति, अरति क्या होता है, मतलब कि रति नहीं करना। अरति एक तो होता है राग और एक होता है द्वेष, द्वेष में तो होता है घृणा और नफरत, या अरति में नफरत नहीं है, अरति में मतलब प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, बस वहां पर है ना, वहां अरति होता है। तो इसमें क्या होता है अरति में, ये जो चीज हमें पसंद नहीं है उससे अरति होती है, बस जो पसंद है उससे तो रति होगी, वो तो चीज अच्छी लग रही जो हमारे अनुकूल है। यहाँ पर अरति प्रतिकूल वस्तुओं में अरति होती है। ठीक है, चलो अब ये कैसे होता है, ये इंद्रिय के विषयों में कोई चीज अच्छी लग रही है तो हमें अच्छी लग रही, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो नहीं लग रही, देखने में संबंधी, ऐसे खाने संबंधी है ना, अच्छी चीजों से भी अरति हो सकती है। द्वेष क्या होता है, सिर्फ बुरी चीजों से ही होता है लेकिन अरति अच्छी चीजों से भी हो सकती है, जैसे कि दो मिठाइयां हैं है ना, एक गुलाब जामुन एक बर्फी, बर्फी अच्छी लगती है तो रति, गुलाब जामुन अच्छा नहीं लगता है तो अरति, गुलाब जामुन गंदा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे रति अरति। शोक, अब क्या होता है कि कोई चीज नष्ट हो जाए या कोई इसी चीज का वियोग हो जाए या पाप का उदय आ जाए तो शोक होता है, या फिर कोई हमारे सगे संबंधी का वियोग हो जाए, कोई का देह त्याग हो जाए, देह परिवर्तन हो जाए, हमसे छोड़ के चला जाए, सोना चांदी आदि बिजनेस व्यापार में नुकसान आदि हो जाए तो वहां पर हमें शोक होता है। अब ऐसा कहते हैं कि ज्यादा शोक करने से भी असातावेदनी कर्म का बंध होता है, इसलिए जब मान लो, इसलिए तो कहते हैं कि नुकसान हो गया हो जाने दो, उसको रोते नहीं बैठो। ठीक है, अगर घर का कोई मेंबर ने देह त्याग भी कर दिया है तो उसके लिए रोते नहीं बैठो, जितना ज्यादा हम रोएंगे जितना ज्यादा हम शोक करेंगे उतना ज्यादा असातावेदनी कर्म का बंध होता है। तत्वा सूत्र में लिखा है असातावेदनी कर्म का बंध का कारण, उसमें शोक एक शब्द आता है। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि अगर कोई सगा संबंधी का देह परिवर्तन हो गया तो भी विचार करना चाहिए कि उसकी आयु कर्म पूर्ण हो गया था इसलिए बह गया है, देह परिवर्तन हुआ है, और ये संसार का नियम है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता ही होता है। उस व्यक्ति का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन ही उसके देह परिवर्तन का समय निश्चित हो गया था, हमें शोक नहीं करना चाहिए। कोई वस्तु का वियोग हो गया, कोई नुकसान हो गया व्यापार बिजनेस में, अभी क्या होता है दूध फैल गया तो शोक करने लगते हैं, अरे यार दूध फैल गया, नुकसान हो गया, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया घर में काम नुकसान हो गया छोटा मोटा तो हम रोने लगते हैं, सोने का चांदी का कोई सामान गिर गया, साड़ी फट गई, जल गई तो ही हम शोक करते हैं, अरे इसकी वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, ऐसा नहीं होता, फिर बार बार उस चीज को हम रिपीटेशन करते हैं, ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ऐसी सावधानी रखते तो नुकसान नहीं होता, इस तरह का जो शोक करते हैं बार बार वार्तालाप करते हैं वो सब शोक में आता है
और उससे निश्चित रूप से असाता वेदनी कर्म का बंद होता है। इसलिए हमें कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक अपना कोई बिछड़ता है तो दुख होता है, क्षणिक दुख होता है, एक अलग चीज है, लेकिन उस चीज को लेकर रात दिन अपने परिणाम संकलित करके रोना आतरोध भाव होते हैं तो नरक गति का भी कारण बनता है। ठीक है, जो चला गया जीव वो तो चला ही गया, उसे तो नई देह परिवर्तन। देखो क्या गजब की बात है, जिसके लिए हम रो रहे हैं ना कि चला गया हमसे छोड़ के, उसने तो जाके नई देह धारण कर ली और वहां उसे जो कुटुंब परिवार मिला वो तो उसमें लिप्त हो गया। उसे तो पीछे याद भी नहीं है कि मैं जो शरीर छोड़ के आया हूं उससे संबंधित पत्नी बच्चे आदि रो रहे हैं। उस जीव को तो याद भी नहीं है। गजब बात, देखो वो तो वहां भोगों में मस्त हो गया। मान लो किसी मनुष्य पर्याय में भी गया तो 9 महीने 2-4 साल बाद मस्त हो जाएगा जब पहचानने लगेगा। नरक में गया तो जाते ही से तो इतने दुख भोगने को मिलते हैं, उसे याद ही नहीं आता है कि कहां से आया मैं। और स्वर्ग में गया, स्वर्ग में अगर जाता है तो जाते ही से भोगों में रम जाता है, वो तो देवांगनाओं में। यहाँ तो एक बीवी छोड़ के गया, वहां तो उसे ला हजारों मिलनी है, कम से कम 10,000 मिलनी उसे, उनमें मस्त हो जाता है, एक से एक देवांगनाएं सुंदर। तो कहां यहाँ पे जीव याद करेगा, वो तो वहां भोगों में मस्त हो गया। और हम रो रो के अपने कर्म और बांध रहे हैं उस जीव के लिए जिसे याद भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में बिल्कुल भी शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जब हमारी विपत्ति आती है तब ये सब चीजें समझ नहीं आती हैं, है ना। अगला है भय। भय डरना, भय मतलब डरना। जनवाणी में 7 प्रकार का भय बोला है, ये लोक परलोक, अरक्षा का भय और मरण का भय, वेदना का भय, आकस्मिक भय, ये सारे भय 7 प्रकार के भय बताए। ठीक है, 7 प्रकार के भय। सबसे पहले तो इस जीव को अपने जन्म जीवन का ही मरम होता है भय कि कोई हमारा जीवन नष्ट नहीं कर दे। फिर हमारे संबंध जो सामग्री है, हमारे शरीर से संबंधित सामग्री मतलब रुपया पैसा, पत्नी बच्चे, मकान दुकान, धन दौलत, सोना चांदी, इसका नाश नहीं हो जाए, यही हुआ ना। इस लोग भय, पर लोग भय, मर के पता नहीं कहाँ जाऊंगा, नरक चला गया तो ये जो भय है ये भय भी कषाय है, परिग्रह है, तो इनसे हमें बचना चाहिए। भय किस चीज का, अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ाई 100% की है तो उसे भय होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो फिर किस चीज का भय बोलो। अगर हमने सचमुच तत्व ज्ञान का अभ्यास किया है, भेद विज्ञान किया है, आत्मा की रुचि रखी है, स्वाध्याय किया है, न्याय नीति पूर्व जीवन व्यतीत किया, तो किस चीज का भय, काय का नरक, काय का निगोद। अरे भगवान देखे हैं तो हमें नरक निगोद देने में सक्षम नहीं है फिर तो, लेकिन अपने आप पे विश्वास ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने भेद विज्ञान किया ही नहीं है, मिथ्यात्व का तो हमने त्याग ही नहीं किया है, इसलिए हमें भय है। सम्यक दृष्टि जीव के भय नहीं होता है। अगर हमें इस तरह के कोई भय हो रहे हैं, इसका मतलब कि हम सम्यक दृष्टि नहीं है, हम अभी मिथ्यात्वी हैं, हमने अभी भेद विज्ञान किया ही नहीं, तत्वों का स्वरूप समझा ही नहीं, है ना, इसलिए भय होता है। फिर इससे संबंधित ये लोग भय और परलोक भय आ गए तो उसमें सारे भय आ जाते हैं। ठीक है, उसमें आरक्षा का भी भय आएगा, अगुप्ति गुप्ती अगुप्ती भय भी होता है, कोई हमारी गुप्त बात को किसी को बोल ना दे, हमारा कोई भंडा ना फोड़ दे, अरे तो सीक्रेट था हमारा किसी को पता नहीं चल जाए। ठीक है, और मरने का भय और वेदना दुख तकलीफ ये सब भय जन्म इसी रोग और परलोक में सारे भय जाते हैं। ठीक है, फिर होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब क्या होता है, जुगुप्सा का शाब्दिक अर्थ होता है द्वेष करना नहीं होता है, नफरत करना नहीं होता है। जुगुप्सा का अर्थ होता है कोई चीज अच्छी नहीं लगती ना तो हमारे ना जो घृणा का भाव आता है उसे बोलते हैं जुगुप्सा। ठीक है, जैसे सड़क पे हमने कोई मलमूत्र आदि देख ले तो हमारे अंदर जल्दी से घृणा का भाव आता है। सब्जी बनाते बनाते कोई सब्जी अंदर से सड़ी निकल जाए तो घृणा का भाव आता है, उसे बोलते हैं जुगुप्सा। ये भी एक तरह की कषाय है, तो इससे कैसे बचे। मुनिराजों को नहीं होती है जुगुप्सा, मुनिराजों को घृणा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो
सोने को भी पुद्गल द्रव्य मानते हैं और वो विष्ठा को भी पुद्गल द्रव्य ही मानते हैं। गजब बात देखो, इसलिए गुरुपसा उत्पन्न नहीं होती मुनिराजों के। कितनी गजब बात है। और हम मलमूत आदि देख ले तो मैं क्या फटाफट से जिज्ञास घृणा उत्पन्न होती है। अगर बच्चे की नाक आ रही है, बच्चे ने पॉटी कर दी छप छप कर, तो घृणा आ जाती है, चलो हटा उसको साफ करके लाओ पहले। ऐसी होती है ना जुगुप्सा। मुनिराजों को जुगुप्सा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो दोनों को पुद्गल ही देखते हैं। सोना चांदी भी पुद्गल है और मलमूत विष्ठा आदि भी पुद्गल है, ठीक है, इसलिए जुगुप्सा नहीं होती है। और बाकी स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। स्त्री वेद में होता है कि पुरुष के साथ काम सेवन करने का भाव उत्पन्न होते हैं, और पुरुष वेद में होता है स्त्री के साथ काम सेवन के भाव उत्पन्न होते हैं, और नपुंसक लिंग में स्त्री पुरुष दोनों के साथ काम सेवन के भाव उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से कषाय हैं। अब देखो, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद में काम सेवन की जो बात आई है वह हमारे ब्रह्मचर्य महाव्रत में भी आती है, पाप कुशील पाप में भी आती है, कषाय में भी आती है, परिग्रह में भी आती है। सोचो ये चीजें कितनी कितनी जगह आती है। इसका मतलब ये है कि इन चीजों का हमें बुद्धि विवेक पूर्वक त्याग करना चाहिए, ठीक है। यानी कि मुख्यतः मिथ्यात्व के कारण कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होता है, इसलिए कषाय उत्पन्न होती है। कोई पदार्थ हमें इष्ट अनिष्ट भाषित ही ना हो तो कषाय उत्पन्न ना हो, ठीक है। और तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब कोई पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित नहीं होता है तब कषाय भी उत्पन्न नहीं होती है। तो दो चीज मुख्य है, मिथ्यात्व के कारण तो उत्पन्न होती है और तत्व ज्ञान के अभ्यास से नहीं होती उत्पन्न, ठीक है।